हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी अच्छे से चल रही होगी और हेल्दी होंगे तो फ्रेंड्स मिल रहे हैं आज हम दोबारा से तो दोबारा मिलने का कारण वही हमारा ई दगाबाज ई या दगाबाज़ यू पी एस सी धोखा हमारे साथ हो चुका है लेकिन तैयारी करना नहीं छोड़ेंगे जब भी पेपर होगा क्रैक हम करके दम लेंगे ठीक है चलिए तो एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म पार्ट वन हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिकली हमने तीन पार्ट्स में आपके एवोल्यूशन को डिवाइड किया था एक आपका था प्री वर्ल्ड वॉर वन एक था फिर आपका वर्ल्ड वॉर वन के बाद वाला पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन वाला और उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली जो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस तो पार्ट वन में हमने वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो भी सारी चीजें हुई वो देख ली पार्ट टू में बेसिकली हम वर्ल्ड वॉर वन के बाद से लेकर इंडिपेंडेंस तक का जो है थोड़ा सा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद पार्ट थ्री आपका जो आपको मिलेगा उसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं देखते हैं आज हमने इसमें टॉपिक्स क्या क्या करने हैं टॉपिक हमारा होगा सबसे पहले होगा वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन के समय में क्या हो क्या हुआ और वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ उसमें आप देखेंगे ए जो आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी फॉर्मेशन हो गई ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया 1926 का एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी आएगा 1929 का उसको भी ब्रीफली पढ़ेंगे ठीक है लेट नाइनटीन के बारे में पढ़ेंगे लास्ट जब आपका 1928 29 के समय क्या हुआ और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और वर्ल्ड वॉर टू ने लेबर मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया वो भी हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं सबसे पहले लड़ाई के समय अब आप देख देखो लड़ाई के समय आप सब जानते हो कि एक्सपोर्ट बढ़े हिंदुस्तान में क्योंकि डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही थी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने शुरू हुए अब इन एक्सपोर्ट्स की बढ़ने की वजह से जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे ना जो इंडिया के चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे चाहे वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो भी थे उनके लिए प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई लेकिन वेजेस अभी भी इंडिया में लोही चल रहे थे वर्कर्स को अभी भी उतना ही कमी दिया जा रहा था अब वर्कर्स ने ये चीज देखी कि देखो एक्सपोर्ट तो बढ़ गया सेल तो बढ़ गई लेकिन ये हमारी वेजेस अभी भी नहीं बढ़ा रहे समझ रहे हो अगर दो चीजें होती है ना एक होता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपका इंप्लॉयर आपको बोल सकता है कि हाँ भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा मैं तेरी वेजेस कैसे बढ़ाऊं और एक होता है कि आप जो है दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हो लेकिन आप अपने वर्कर्स को नहीं देना चाहते ठीक है तो ये सिचुएशन ना आ रही जो इसकी वजह से जो है डिसकंटेंट क्रिएट होना वर्कर्स में शुरू हो गया दूसरा गांधी जी आ गए गांधी जी ने आने के बाद आपकी अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक की जो सक्सेसफुल भी रही कहीं ना कहीं तक ठीक है पेजेंट्स को भी उन्होंने साथ में मोबिलाइज करना शुरू किया तो जब गांधी जी आ गए तो वर्कर्स को और पेजेंट्स को दिख गया कि भैया हाँ अगर हम ऐसे मोबिलाइज होकर के एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपनी डिमांड्स को रखेंगे तो हम जो है अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं तो इमरजेंस ऑफ गांधी जी ने भी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ट्रेड यूनियन मूवमेंट को डेवलप होने में इंडिया में उसके बाद कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए जैसे कि आपका सोवियत यूनियन बन गया रशियन रेवोल्यूशन हुआ नाइनटीन में उसके बाद आपका सोवियत यूनियन बन गया जिसकी वजह से कॉमेंट्रेन बना जिन्होंने पूरी दुनिया में लेबर जो क्लास थी जो वर्किंग क्लास थी उसकी डिमांड्स को रखना शुरू किया उसके बाद जो लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक बॉडी बनी आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसने भी एक नई डायमेंशन जो है वर्किंग क्लास मूवमेंट को हिंदुस्तान में दी अब अगर हम कुछ अर्ली ट्रेड यूनियंस की बात करें जो वर्ल्ड वॉर वन के समय और आपकी जो बनी इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस थी तो सबसे पहली ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन अगर हम किसी को कहेंगे हिंदुस्तान में तो उसका नाम था आपका मद्रास लेबर यूनियन ठीक है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सवाल में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं ठीक है और ये मेनली टेक्सटाइल वर्कर्स की एक यूनियन थी और उन्नीस में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसके फॉर्मर का नाम था बीपी वाडिया जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी ठीक है ये बीपी वाडिया साहब है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेबर एसोसिएशन बनी जिसका नाम था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद ये 1920 में बनी और इस ये लीडरशिप में थे अनुसुया बहन सारा भाई और शंकरलाल बंकेर के बीच में तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पूछी जा सकती है कि पहली ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन इंडिया में कौन सी थी ठीक है तो आप कह दोगे मद्रास लेबर यूनियन थी और फिर आपसे फाउंडर का नाम भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन से फाउंडर के अंडर बनी ठीक है उसके बाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद इसमें गांधी जी ने भी अपना काफी जो है सहयोग दिया था तो इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए हो जाती है उसके बाद एक सेटेंट ट्रेड यूनियन जो आपकी बनकर आई ऑल इंडिया लेवल पर वो थी आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी फाउंडेशन 31 अक्टूबर 1920 में हुई ठीक है और इसके जो फाउंडिंग ईयर uh, जो इसका सेशन हुआ था पहली बार उसमें जो प्रेसिडेंट बने थे इसके वो थे लाला लाजपत राय जो पहले प्रेसिडेंट बने और दीवान चमन लाल जो थे इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने ही जो है ये स्टेटमेंट भी आपका पास किया था इन्होंने कैपिटलिज्म को लिंक किया था एंड इंपेरियलिज्मिज्म आर टू चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जो मैंने आपको अभी एक हमारा लाइव सेशन हुआ था आज से दो दिन पहले उसमें हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे जिसमें हमने दस क्वेश्चन लेबर लॉ के डिस्कस किए थे तो लाला लाजपत राय ने किस तरह से कैपिटलिज्म को लिंक किया देखो कैपिटलिज्म इज बेसिकली वॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको न्यू मार्केट्स चाहिए ठीक है न्यू मार्केट्स चाहिए मार्केट्स बोथ फॉर सेलिंग एंड फॉर योर रॉ मटेरियल ठीक है जहां से आप रॉ मटेरियल खरीद सको और मार्केट जहां पर आप अपना सामान बेच सको ब्रिटिशर्स इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को और बाकी जगहों को अपना कॉलोनी क्यों बनाया ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाते थे और यहाँ पर ला करके इंग्लैंड के फिनिश्ड गुड्स को बेचते थे ठीक है यही था ना मॉडल इनका तो मार्केट चाहिए बेचने के लिए भी और रॉ मटेरियल के लिए भी अब मार्केट के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा एक्सपेंशन करने के लिए कॉलोनीज बनानी पड़ेगी और कॉलोनी बनाने के लिए मिलिट्री चाहिए तो मिलिटेरिज्म जो है ये भी आ जाता है तो इसी तरह से जो लाला लाजपत राय हैं इन्होंने पहली बार कैपिटलिज्म को इंपेरियलिज्म और मिलिटेलिज्म से लिंक किया ओके okay, उसके बाद इसमें और भी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स जो है वो इसके प्रेजाइड प्रेजिडेंट बने आने वाले समय में उनमें से एक थे आपके सी आर दास जिन्होंने इसके थर्ड और फोर्थ सेशन में प्रेजिडेंटशिप ली ठीक है जो सी आर दास थे ये आपके 1922 के गाया सेशन ऑफ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये था कांग्रेस का खैर हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे वो हिस्ट्री का पार्ट है जो ज्यादा उसमें चला जाता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर सेशन में ए की फॉर्मेशन को वेलकम किया गया और एक कमेटी बनाई गई कांग्रेस की ही इस कांग्रेस की कमेटी का, का काम क्या था कि ये जो नई एक यूनियन बनी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनी है इसको असिस्ट करे ये ठीक है तो ये एक कांग्रेस ने कमेटी बना दी थी उसके बाद सीआर दास ने इसमें अपनी ये बात भी रखी कि कांग्रेस जो है इसको वर्कर्स और के कॉज को अपने मेमोरेंडम में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने स्ट्रगल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए नहीं तो ये जो दो लोग हैं जो वर्कर क्लास है और जो प्रेजेंट क्लास है ये हमारी नेशनल मूवमेंट से आइसोलेट हो जाएंगे सी दास ने अपनी ये बात भी रखी उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट लीड लीडर्स थे जो क्लोज कांटेक्ट में रहे AITUC से वो थे आपके नेहरू सुभाष बोस सी एफ एंड्रियम सेन गुप्ता सत्यमूर्ति गिरी एंड सुरोजनी नायडू दो दीज नॉट एनी एनीवन कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एसोसिएटेड था प्रेसिडेंट कौन था कौन नहीं था ये हाँ जरूर पूछा जा सकता है चलिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो आपका चीज हुई जो इस समय में वो थी आपकी ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 अब ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 किस वजह से आया देखो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना अब शुरू हो गया था सरकार के ऊपर लोगों का भी ऊपर से एक और, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी थी जिसका नाम था ILO. अब प्रमोट कर रही थी कि आप लेबर के के वेलफेयर लिए कुछ लॉज लेकर आइए ठीक है कुछ लेजिस्लेश लेकर आइए और इसी वजह से सरकार जो है वो फोर्स हो गई कि उन्हें लेजिस्लेशन लेके आना पड़े ठीक है तो बहुत सारी एजुटेशन हुई इससे पहले नाइन से पहले और मेन जो इस इन एजुटेशन को कर रहे थे वो थे आपके एन एम जोशी एन एम जोशी जो है इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया ऑल तो इसी सब के मद्देनजर अंग्रेजों ने जो है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास किया अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे अभी ट्रेड यूनियन एक्ट को क्योंकि हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम लेबर लॉस को पढ़ेंगे ठीक है जब हम लेबर लॉस के जब सारे एक्ट को देखेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम इसको वेरी ब्रीफली देखेंगे कि इसने क्या किया तो इंपॉर्टेंट फीचर्स इस ट्रेड यूनियन एक्ट के क्या थे सबसे पहले तो इसने ट्रेड यूनियंस को एक लीगल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज कर लिया इससे पहले ट्रेड यूनियंस को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था इंडिया में दूसरा इसने कंडीशंस लगा दी कि कैसे आप एक अपनी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकते हो और ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज को किस तरह से रेगुलेट करना है थर्ड इन्होंने इम्यूनिटी दे दी दोनों सिविल और क्रिमिनल ट्रेड यूनियंस को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर लेजिटिमेट एक्टिविटीज ठीक है अगर वो कुछ भी लेजीटिमेट एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल की अगर स्ट्राइक करना एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है तो आप उनको जेल में नहीं डाल सकते पहले ही होता था कि अगर आपने स्ट्राइक की अननेसेसरी स्ट्राइक की तो आपको जेल में डाल देंगे पर अब आपको जेल में नहीं डाल सकते ठीक है लेकिन साथ ही साथ ये ट्रेड यूनियन एक्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन ट्रेड यूनियंस के ऊपर कि ये किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे ठीक है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कह दिया सिविल डिसोबीडियंस तो ये लोग जो है स्ट्राइक पे बैठ जाए ठीक है अगर ये फिर स्ट्राइक पे बैठेंगे तो इनके खिलाफ जो है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो की जा सकती हैं आर यू गेटिंग इट अगर ये अपने राइट्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन अगर ये पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं कोई तो उसमें ये इसको साफ प्रोहिबिशन इस एक्ट ने रखी हुई थी ठीक है और महात्मा गांधी भी इसके सपोर्ट में थे कि जो ट्रेड यूनियंस हैं जो वर्कर्स हैं उनको पॉलिटिकल क्लास के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए उसके बाद अगर हम लेट नाइनटीन की बात करें तो हिंदुस्तान में कॉम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा था ठीक है और इसी कॉम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के साथ मिलिटेंट और रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो है वो इंडिया में आ रहे थे ठीक है 1928 में अगर आप देखो एक बहुत ही फेमस छह महीने लंबी जो है स्ट्राइक हुई बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में जिसको गिरनी कामगर यूनियन एक यूनियन हुआ करती थी जिसने इसको लीड किया ठीक है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो सारा 1928 जो है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रहा हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा उसके बाद अगर आप देखो इस समय में काफी कम्युनिस्ट ग्रुप्स और उनके लीडर्स भी निकल कर के आए जैसे एस ए डांगे मुजफ्फर अहमद पीसी जोशी सोहन सिंह जोशी ये सब लोग जो है का, काफी बड़े कम्युनिस्ट लीडर्स थे जो निकलकर सामने आए तो इन सब वॉयलेंट uh, मूवमेंट्स की वजह से और ग्रोइंग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाने का जो है फैसला किया और उस कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट अभी हम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पे अपने आप को रखेंगे हम पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पे नहीं जा रहे हैं तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में बेसिकली था क्या तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ने एक कंपल्सरी जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करने की बात की और एक कंसल्टेशन बोर्ड अपॉइंट करने की बात की इन दोनों बॉडीज का क्या काम होगा ये वर्कर्स और इंप्लॉयर्स के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने की कोशिश करेंगे ठीक है उसके बाद इस एक्ट ने कहा कि स्ट्राइक्स जो है दे विल बी इलीगल इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे कि पोस्ट रेलवे वाटर इलेक्ट्रिसिटी इन पब्लिक सर्विसेज में इंप्लाइज़ को स्ट्राइक करने का कोई हक नहीं है इसको इलीगल बोल दिया गया अनलेस ईच इंडिविजुअल वर्क प्लानिंग टू गो ऑन स्ट्राइक एन एडवांस नोटिस ऑफ वन मंथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने स्ट्राइक पर जाना भी है तो हर वर्कर को अगर फॉर एग्जाम्पल रेलवे के वर्कर्स स्ट्राइक में जाना चाहते हैं तो हर रेलवे के वर्कर को हर इंडिविजुअल वर्कर को ऐसा नहीं है कि उस वर्कर की ट्रेड यूनियन नोटिस दे देगी हर वर्कर को जो है नोटिस देना पड़ेगा एक महीने पहले कि हाँ भैया एक महीने बाद में स्ट्राइक पे जाऊंगा हर वर्कर को चिट्ठी भेजनी पड़ेगी सिर्फ एक ट्रेड यूनियन के या लीडर के भेजने से नहीं होगा हर वर्कर को भेजनी पड़ेगी उसके बाद फॉर ट्रेड यूनियन एक्टिविटी ऑफ करोसिव और प्योरली पॉलिटिकल नेचर ठीक है या सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स भी नहीं होनी चाहिए भगत सिंह को फांसी लगा दी तो जो है स्ट्राइक पर चले गए लोग इसको क्या कहा जाएगा कि सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए भैया अगर आपको सिंपैथी करनी है आप नौकरी छोड़ो और फिर जाकर के स्ट्राइक करो वहां पर जाके बैठो ओके okay. राइट right. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है आपके लेबर मूवमेंट uh, में पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन दैट वाज मेरिट कंस्पिरेसी केस 1929 तो मार्च उन्नीस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया और इनके ट्रायल चले काफ़ी लंबे समय तक इनके ट्रायल चले उसमें बहुत प्रोमिनेंट लेबर लीडर्स थे जैसे कि मुजफ्फ़र अहमद एस ए जोगलकर फिलिप प्राइट बेन ब्रेडली ये सारे जो हैं काफ़ी एक्टिव कम्युनिस्ट लीडर्स थे उस समय के और इनका जो ट्रायल चला उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी मिली लेकिन क्योंकि सारे लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे तो पब्लिसिटी होने से सिर्फ क्या होता जब कोई बाहर लीडर ही नहीं बचा था तो इसने काफी वीक कर दिया आपकी वर्किंग वर्किंग क्लास मूवमेंट को ठीक है अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था क्या ये हिस्ट्री में आपने कवर करना है कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था क्या राइट right. तो वर्कर्स जो हैं अब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लेकिन 1931 के बाद वर्कर वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है उसने सिविल डिसोबीडियंस से पीछे हटना शुरू कर दिया क्योंकि 1931 में स्प्लिट होनी शुरू हो गई थी जो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी या जो वर्किंग क्लास मूवमेंट की जो यूनियंस बनी हुई थी उनमें स्प्लिट होना शुरू हो गया अब जैसे एन एम जोशी जो थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक खुद की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना ली तो जब भी कोई दो एक पार्टी जो है एक यूनियन जो है वो जुड़ी हुई यूनियन अलग होती है ना तो उससे बहुत नुकसान होता है उस मूवमेंट को ऐसा नुकसान उन्नीस में कांग्रेस को हुआ था जब सूरत स्प्लिट हुआ तो जब भी कोई मूवमेंट टूटती है तो उससे नुकसान तो होता ही है ठीक है 1935 में कम्युनिस्ट्स ने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अब इससे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर ही दो विभाग बन गए एक लेफ्ट फ्रंट बन गया जिसमें कम्युनिस्ट थे और कांग्रेस सोशलिस्ट थे और एक राइट right विंग रह गया जिसमें पुराने कांग्रेस थे ठीक है तो इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इंपैक्ट आपकी ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर डाला उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं उन्नीस में एक्ट आ गया था और नाइनटीन थर्टी सेवन में इलेक्शंस लड़े गए और नाइनटीन थर्टी सेवन के इलेक्शंस में कांग्रेस जो है इसने बहुत सारी सीट्स जीती और काफी प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तो नाइनटीन थर्टी सेवन के इलेक्शन के समय जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी इसने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था यूनियन के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था तो कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे ही प्रोविंस में आई तो उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को सपोर्ट करना जो है शुरू कर दिया ठीक है कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी वो सिंपेथेटिक रहती थी वर्कर्स की डिमांड से और बहुत से लेजिस्लेश भी कांग्रेस की सरकारें वर्कर्स के जो फेवरेबल थे जो वर्कर्स को वो उन्होंने पास किए 1938 में इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट अनैक्टमेंट था जो कांग्रेस की क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस में भी कांग्रेस की ही सरकार थी तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 लेकर के आई इस एक्ट ने एक इंडस्ट्रियल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश कर दिया ठीक है और स्ट्राइक्स और लॉकआउट को प्रोहिबिट किया लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस में ठीक है तो वर्कर्स के लिए इन्होंने इस एक्ट के थ्रू काफी काम किया इसी एक्ट ने कंपलसरी एक रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन कह दिया कोई भी इंप्लॉयर ये नहीं कह सकता कि मैं इस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करता इंप्लॉयर को अब बाध्य बना दिया गया उसके लिए अब यह कंपल्सरी हो गया कि वो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे ठीक है और इस तरह से वर्कर्स को एक राइट मिल गया कि वो अपना केस जो है अब रिप्रेजेंट कर सकते थे फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध के समय क्या हुआ देखिए इनिशियली जो है वर्कर्स ने अपोज किया लड़ाई को ठीक है लेकिन रशिया जो एक कॉम्युनिस्ट कंट्री थी जो ये शो रशिया ने पूरे वर्ल्ड को उस टाइम ये शो किया हुआ था कि अगर वर्कर्स के इंटरेस्ट को या वर्किंग क्लास को कोई कंट्री जो है वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दे रही है और उनको जो है आगे फ्रंट पे शो कर रही है तो दैट इज रशिया तो पहले तो वर्कर्स ने अपोज किया 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, लेकिन 1941 में जब रशिया ने वॉर को ज्वाइन कर लिया अलाइड पावर के साथ मिलके, जिसमें आपके यूएस यूके और ये सारे कंट्रीज थे तो जब रशिया ने ज्वाइन कर लिया तब कम्युनिस्ट्स ने इस वॉर को एक्सेप्टेंस दी और उसने कम्युनिस्ट uh, जितने भी इंडिया में थे इन्होंने बोला कि दिस इज अ पीपल्स वॉर ये ये लोगों की लड़ाई है विश्व युद्ध लोगों की लड़ाई है और इसको सपोर्ट करना चाहिए तो अल्टीमेटली जो इंडियन कम्युनिस्ट थे उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट करना यहां पर शुरू कर दिया अब क्योंकि ये जो थे, ये जो थे वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट कर रहे थे तो इन्होंने अपने आप को उस समय में कोई भी मूवमेंट जो हुई उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लिया बिकॉज दे वॉन्टेड सपोर्ट द गवर्नमेंट तो क्विट इंडिया मूवमेंट से भी ये लोग पीछे हट

बॉम्बे और कैलकाटा के जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने शिप लोडिंग से जो है बिल्कुल कर दिया कि हम नहीं करेंगे भैया 1946 में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए इन सपोर्ट ऑफ नेवल रेटिंग्स ठीक है और 1947 में अगर आप देखो बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई गवर्नमेंट एरियाज में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जैसे कि पोस्ट रेलवेज और बहुत सी अलग स्टेब्लिशमेंट्स में तो एकदम से स्पीड अप वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये मूवमेंट्स जो है होनी शुरू हो गई ठीक है तो इंडिपेंडेंस तक बच्चों हम यहां पर पहुंच चुके हैं अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसके बाद हम देख, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ एक्ट्स बनाए कुछ चीजें लेकर आए वो ठीक है किस तरह से सारी चीजें चली तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ओवरव्यू हम एक बार उसमें लेंगे हमारे एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया पार्ट थ्री में तब तक आई होप आपको मजा आया होगा आज पढ़ के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय